दोस्तों क्या आप लोग अमेजोन पे बैलेंस को अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप लोग देख रहे हैं यह कैसे चैनल को। दोस्तों से आप लोग अमेजोन पे बैलेंस का जो बैलेंस उसमें है आप लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दोस्तों से आप लोग अमेजोन पे के माध्यम से आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं या कुछ और, देखिए आप लोग कुछ यूज करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है। और दोस्तों जो आपको अमेजोन पे बैलेंस पे वहाँ पे बैलेंस ऐड हो जाता है, आप लोग उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों जो तरीका मैं बताऊँगा उसके जरिए आप लोग UPI के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से बहुत आसानी से आप लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों मैं अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। जैसे हमें अमेजोन पे बैलेंस में यहाँ पे बैलेंस हमें ट्रांसफ़र करना है तो हमें यहाँ अमेजोन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप जो देखते हैं मेरा कितना अमेजोन पे में बैलेंस शो करा। दोस्तों से इस बैलेंस को हमें UPI QR कोड के माध्यम से किसी के पास शेयर करना है या अपने अकाउंट में भेजना है। तो दोस्तों हमें कैसे एक्टिवेट करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे भेज पा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखे QR कोड को स्कैन किया हूँ तो यहाँ अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ। फिर यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं पे विथ अमेजोन पे बैलेंस मेरे में शो करा। जैसे मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये जो बैलेंस है अमेजोन पे बैलेंस मेरे देखे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आप लोग भी इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आप में नहीं शो करा इसे कैसे एक्टिवेट करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है। दोस्तों जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आपको यहाँ नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ ऑल वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा अमेजोन पे। दोस्तों यहाँ पे बस आपको इतना कमेंट कर देना है। दोस्तों से आप लोग अमेजोन पे का बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप में नहीं शो करा तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा और आप लोग बिना किसी चार्ज के इससे अपने अकाउंट में पैसे कैसे भेज पाएंगे चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ अमेजोन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो दोस्तों जिसके पास आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका आप लोग यहाँ QR कोड स्कैन कर सकते हैं, सेंड मनी कर सकते हैं या आप लोग उसका UPI ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्कैन एंड QR कोड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ तो दोस्तों हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना होगा, जितना पैसे को ट्रांसफर करना है अमाउंट लिखना होगा। फिर यहाँ कंटिन्यू हमें यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों फिर ऐसा ऑप्शन शो करेगा, आप लोग ठीक से देख सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पे विथ अमेजोन पे UPI दोस्तों ये ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों लेकिन अमेजोन पे वाला बैलेंस यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, UPI का ऑप्शन आ रहा। तो दोस्तों आपको यहाँ शो मोर वे टू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा अमेजोन पे बैलेंस। दोस्तों यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ कंप्लीट KYC, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ अपग्रेड यहाँ पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले आपको KYC करना होगा, KYC वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको देखे सबसे पहले डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। दोस्तों से आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अमेजोन के एजेंट आपसे देखे वीडियो कॉल के थ्रू बात करेंगे और यहाँ पे आपकी वीडियो KYC को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों से आप लोग अपनी वीडियो KYC कर लेते हैं तो दोस्तों अमेजोन पे में बैलेंस ऐड करने की भी आपकी लिमिट बढ़ जाती है, 1,00,000 तक की हो जाती है। और दोस्तों से वहाँ पे बैलेंस है उससे आप लोग बहुत आसानी से बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप लोग इतना कर लेते हैं फिर आप में देखे कैसे शो करेगा वो दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखे 50 रुपए सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 50 सिलेक्ट कर लिया हूँ फिर यहाँ कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं पे विथ अमेजोन पे बैलेंस यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ पे नाउ हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। तो यहाँ बैक टू अमेजोन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। और आपको दिखाता हूँ अभी तक मेरे में 51 रुपए थे, अब यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए बचा है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग बहुत आसानी से अमेजोन पे बैलेंस को अपने अकाउंट में QR कोड UPI के माध्यम से बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।